हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनीबडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ कीनवा डोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कीनवा को एक सुपर फूड के भी नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये हमारे वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। और अगर आपको कीनवा के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं तो आप मेरी कीनवा पोहा की रेसिपी देख सकते हैं, जिसे मैं आई बटन पर डाल दूंगी। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आप कीनवा को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। तो चलिए ये इंस्टेंट एंड हाई प्रोटीन डोसा की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कप कीनवा लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश किया है। कम से कम 3 से 4 बार हमें इसे अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें एक सैपोनिन नाम की कोटिंग होती है और अगर हम इसे अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो इसका थोड़ा बिटर टेस्ट आएगा। और फिर इसे अच्छे से रिंस करने के बाद इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया है। फिर मैंने थोड़े अलग अलग दाल को भी भिगो करके रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सा दाल यूज किया है और कितनी क्वांटिटी में यूज किया है। तो सबसे पहले मैंने 1/4 कप हॉर्स ग्राम लिया है, जिसे हम कुर्थी का दाल भी बोलते हैं। इसे हमें अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ये हमारे स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। 1/4 कप मूंग की दाल, 2 टेबलस्पून उड़द की दाल, 1 टेबलस्पून चने की दाल और 1 टीस्पून मेथी डाला है। तो चलिए अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले दाल को ग्राइंड कर ले रही हूँ और इसी में मैंने एक प्याज काट के डाला है, 1/2 इंच अदरक और 8 से 10 कड़ी पत्ते। मैं यहाँ 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डालिए, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बहुत ही बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो अभी मैं कीनवा और दाल दोनों को पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, अभी मैंने दाल और कीनवा दोनों को अच्छे से पीस लिया है। हमें इसे बहुत ही बारीक पीसना है और फिर इन दोनों को अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बैटर अभी थोड़ा सा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। तो बस जैसे नॉर्मल डोसे की कंसिस्टेंसी होती है, हमें उसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एज पर टेस्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और एक कॉटन के कपड़े से हम तवे को इससे ग्रीस करेंगे। तो डोसा बनाने के लिए मैंने एक तवा रखा है गैस पर। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा यूज किया है। अगर आप लोहे वाले तवे में कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद बैटर डालकर हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो आप जितना पतला फैला सकते हैं उतना पतला फैला लीजिए। बैटर फैलाते समय हमें फ्लेम को लो पर रखना है और जब बैटर अच्छे से फैला लें उसके बाद फ्लेम को हाई पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप फ्लेम को लो पर ही रखिए। और अब डोसे के साइड्स और उसके ऊपर हल्का हल्का घी डाल रही हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ डोसा बनाने में। अगर आपको भी कोई ट्रिक पता हो कि डोसा को और अच्छा कैसे बनाया जाता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये देखिए, डोसे के ऊपर हल्का हल्का कलर आ गया है। तो जब डोसे के ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर दिखने लगे, इट मीन्स डोसा हमारा एक साइड से पक चुका है। तो अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ और दूसरे साइड भी मैं इसे थोड़ा पका लूंगी। तो ये देखिए, डोसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो आज मैं इसे हरी चटनी और पीनट चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ इसे बनाइए और इसकी फोटो भी इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और अपनी फीडबैक भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं अपनी इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
मैंने कीनुआ की और भी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाके मेरी रेसिपीज देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।